हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो ड्रिंकर के बारे में बोल रहा था, तो उसी वीडियो को देखकर हमारे के धनबाद से एक नए फार्मर हैं, नाम उन्होंने बताया नहीं, तो उनके डक भी 4-5 दिन के हैं और रोज़ मर रहे हैं। उन्होंने पूछा है क्यों मर रहे हैं, तो मैंने वीडियो तो शायद उन्होंने भेजी नहीं है, मैंने आपको दिखाता, लेकिन इसे मरने के दो कारण होते हैं। एक होता है टेम्परेचर सही ना होना और दूसरा है इन्फेक्शन होना। ठीक है, तो इन्फेक्शन की अगर है तो आप उन्हें ये दवा दे सकते हैं। इसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक ये है और एक इधर दिखा देता हूँ, ये वाली फ़ोटो। तो आपको ये दो देनी है और ये बड़ी वाली जो टैबलेट आएगी, ये वाली, ठीक है ना, इसको आपको पूरा देना है। ये वाला है 1000 वर्ड्स के लिए, अगर 1000 वर्ड्स हैं डक हैं तो ये देना है आपको। 3 से 4 घंटे के जितना पानी पी लेते हैं उसमें घोलना है और देना है 1000 बच्चों के लिए। अगर कम है, 500 है, तो आधा ही दे, ठीक है ना। और टेम्परेचर की अगर बात करें, देखिए अभी बाहर का टेम्परेचर यहाँ पर भी बहुत कम है, मगर फिर भी ये घूम रहे हैं, ये भी 6-7 दिन के हैं। तो मैं इन्हें बाहर नहीं रखता, सिर्फ खाना खिलाता हूँ बाहर, फिर अंदर कर देता हूँ, ये खुद ही चले जाते हैं, ठंड लगती है। तो अभी खाना पानी पी रहे हैं, शाम हो चली है। और यहाँ पर रूम में अपना आपको ब्रॉडिंग रूम दिखा देता हूँ, यहाँ का टेम्परेचर देखिए, यहाँ देखिए टेम्परेचर ये है 31.9, मैंने 32 डिग्री के आसपास है। और ये तो मेरा इनक्यूबेटर का है, ये जो इंक्यूबेटर है इसका टेम्परेचर है, आपको इतने 32 के आसपास रखना है, नहीं तो 31 भी चलेगा, अगर 5-6 दिन के हैं तो 31 या 32 इसके बीच रहना चाहिए, अच्छा बात है। और आपको रूम के यहाँ थोड़ा सा खुला भी रखना है कि हवा आ जा सके, अंदर गर्माहट ना हो जाए। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो नीचे ज़मीन है ये सूखी रहनी चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो जाता है सुखा के, ठीक है ना। इससे अगर ये भीगा रहेगा, जब बच्चे बैठेंगे तो दब के भी मर जाते हैं, अगर वो ऐसे ही मर रहे हैं बिना दबे हुए, तो आपको वही दवा चलानी चाहिए, वो बेस्ट है बकरी के बच्चों के लिए, ठीक है ना, और मुर्गी के बच्चों के लिए भी ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप अगर ये वीडियो देखने के बाद अपने बच्चों की भी वीडियो भेजें मुझे, ताकि मैं सही से बता सकूँ। अगर उनको इन्फेक्शन ही है तो आपको वही दवा देनी है जो मैंने अभी बताई है, 100% है उसमें आपका, मतलब कि 2 दिन, 1 दिन तो आज अगर दवा दे देते हैं तो परसों तक ठीक हो जाएंगे, आपको 2 बार दवा देने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और बाकी बस इतना ही, मगर ये कि दवा पूरी 100% कामयाब है, ठीक है ना, आपको दवा दीजिए ठीक हो जाएगी। और कोई समस्या रहेगी तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमसे बात भी कर सकते हैं फ़ोन पर, हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। और वीडियो कैसी लगी और रिज़ल्ट क्या है हमें ज़रूर बताएं। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका भी धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर संजीव कुमार, कृष्णा, कन्हैया, नारायण और सरवन मंडल आपके पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स पालन से लेकर उनके बीमारियों इलाज करने में सहायता करेंगे। अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप पर भेजें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9791071830 है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकॉन को भी बजा दें।